मैं इस समय मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली में और उस सीट पे मौजूद हूँ जो लगातार पूरे देश में चर्चाओं में है, यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट। बता दें यहाँ उत्तर पूर्वी दिल्ली में दो बार सांसद रह चुके मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार यहाँ से उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को टक्कर देने के लिए उतरे हैं और आप छठे चरण का मतदान यहाँ पर शुरू हो चुका है। बता दें कि 8 राज्यों में मतदान हो रहा है, 58 सीटों पर मतदान हो रहा है और मैं उस समय मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक मतदान पॉइंट पर। यहाँ पर तमाम मतदाता अपना मत अधिकार कर रहे हैं और लगातार मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा। किस मुद्दों पे वोट डाला है? मुझे विकास पे वोट डाला है। हाँ, विकास वोट डाला है ना। हाँ, किसी पार्टी का नाम मेरा मतलब नहीं है। किस मुद्दे, क्या क्या मुद्दों से सोच रहे थे? मुझे हम कुछ नहीं बताना चाहते, कुछ नहीं बताना चाहते। कुछ तो सोच के आए होंगे, कुछ तो सोच के आए होंगे। जो सोचे अपने मन में रखते हैं। क्या विकास, क्या फायदा उसको कहने से? किस मुद्दों पे वोट डाला? विकास, विकास के लिए। क्या सोच के आया? वोट डालने के लिए आए, क्योंकि जो अच्छा काम करे उसके लिए। किस मुद्दों पे वोट डाला? विकास के ऊपर, काम के ऊपर। हाँ, दिल्ली में जो सही काम करता है उसके लिए। अब तक विकास हुआ दिल्ली के अंदर? हाँ हुआ है। जो केजरीवाल ने करा वो किसी ने आज तक करा ही नहीं दिल्ली के अंदर, ये सच्चाई है। आगे क्या मुद्दे रहने वाले हैं? आगे मुद्दे ये रहेंगे, जो सही चलेगा उसी के लिए रहेंगे, अपना भी काम है। हाँ बताइए, हमेशा अपनी ये हमारी दो रोटी सही चले और अपना काम चले, बस हमें और कछु ना चाहिए दुनियादारी में। वोट डालने में कोई परेशानी अंदर? ना हमें कोई परेशानी, ना वोट डालने में कोई परेशानी नहीं, हमें यही परेशानी है तो काम ना है, और दूसरा भूखे मर रहे हैं। अब राशन हमारे कार्ड है ना, कार्ड बंद कर दे तो काहे से खामे भैया, गरीब इंसान झुग्गी में रहने वाले हम। क्या मुद्दे सोच के आए थे? हम ये सोच के आए कि भैया हमारा जीत जाए और हम आगे बढ़ जाए। वोट डाल दिया आपने? नहीं, डाल दिया। किन मुद्दों पर? चलिए ठीक है, यहाँ पर तमाम मतदाता मौजूद हैं जो अपना अपना वोट डालकर आ चुके हैं, अपना अधिकार जो है जो मतदान केंद्र के अंदर अपना वोट डालकर आ चुके हैं। हर किसी के मन में अलग अलग मुद्दे हैं, किसी के मन में विकास का मुद्दा है, किसी के मन में शिक्षा का मुद्दा है। मुझे आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट दैट सूनर देन वी एक्सपेक्ट इंडिया विल एमर्ज एज ए रियल पावर इन द वर्ल्ड एंड दिस इज दीज आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल एज फार एज द इलेक्शन इज कंसर्न्ड। दिस इज द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, सेलिब्रेशन ऑफ द राइट्स of the sovereignty of the people of India. So it's a great feeling to be a part of it.
फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार राज तिलक किसका होने वाला है।